सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाटिल, स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बी फार्म से एडमिशन 2020-21 बैचलर ऑफ फार्मसी कोर्स एडमिशन डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस और कोर्स फीस डिटेल्स के बारे में जानकारी है। बी फार्म से एडमिशन डेट्स 2020-21 के बारे में जानकारी है तो आपको हम सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहेंगे जहां पर सारी डिटेल्स पहले से अवेलेबल है और अब जल्द ही बी फार्म से 2020-21 एडमिशंस की शुरुआत हो सकती है, होने वाली है। जबकि आप देख सकते हैं नया साल शुरुआत हो चुकी है, 2020-21 स्टार्ट हो चुका है, अब जल्द ही एग्जाम होने वाले हैं बी फार्मसी के, उसके बाद 2020-21 का ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे पूर्व हमने यह वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब है वीडियो बनाने का मकसद हमारा अलग है। वीडियो बनाने के पीछे का हमारा जो मकसद है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें जमा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए जो कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, स्टूडेंट्स को समय लगता है, उन समय से परहेज करने के लिए और समय पर सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करने के लिए समय मिल सके, इसके लिए यह वीडियो बी फार्मसी के बारे में, बी फार्मसी एडमिशन 2020-21 के बारे में बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकेंगे बी फार्मसी कोर्स डिटेल्स के बारे में, बी फार्मसी सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस डिटेल्स के बारे में, बैचलर ऑफ फार्मसी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020-21 के बारे में, बी फार्मसी ऑनलाइन एडमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे और बी फार्मसी एडमिशन डेट्स 2020-21 के लिए कौन सी रहेगी वह जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है और बी फार्मसी जो कोर्स की फीस डिटेल्स है वह आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगी। बी फार्मसी एडमिशन नोटिफिकेशन 2020-21 का जो रिलीज होगा, जो डिक्लेयर होगा, जो जारी होगा, उसमें डेट्स क्या रिलीज होंगी उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ 5 कंटेंट्स, जो 5 स्टेप्स हैं, उन्हीं में हमें 10 से 12 मिनट का और 14 मिनट का समय लग सकता है। देखते हैं कितना समय लगेगा, 10 मिनट तो कम से कम अवश्य लगेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जिससे आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो और अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल पाएगी। बी फार्मसी कोर्स डिटेल्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो बी फार्मसी कोर्स है यह 4 साल तक चलने वाला यूजी कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है, डिग्री कोर्स है। यह डिग्री कोर्स जो है वह जो उसकी क्राइटेरिया रखी गई है वह क्राइटेरिया हम आपको जरूर बताएंगे और आपको वहां पर पूरी जानकारी भी देंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी किसी इंस्टीट्यूशंस में यह 6 सेमेस्टर का होता है तो किसी इंस्टीट्यूशंस में भी फार्मसी कोर्स 8 सेमेस्टर का भी होता है और उसी 8 सेमेस्टर्स में आपको 6 मंथ में अलग अलग यानी कि एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन देनी पड़ती है बैचलर ऑफ फार्मसी कोर्स के लिए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि बी फार्मसी कोर्स डिटेल्स कैसा रहता है और जो बी फार्मसी कोर्स डिटेल्स है वह भी बैचलर ऑफ फार्मसी कोर्स के बारे में हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि यह यूजी जो प्रोग्राम होता है फार्मसी कोर्सेज का उसमें बेहद सारा स्कोप देखा गया है और कई सारे छात्र अब यह मेडिकल कोर्सेज की तरफ अपना रुख कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांग भी बेहद ज्यादा है। डी फार्मसी, बी फार्मसी और एम फार्मसी फार्मसी एडमिशंस के लिए काफी होड़ भी दिखाई दे रही है क्योंकि इस बी फार्मसी कोर्स के लिए काफी स्कोप देखा जा रहा है और यहाँ पर जो स्कोप है, कितने प्रकार के जॉब्स है फार्मसी इंडस्ट्री में, फार्मसी इंडस्ट्री फील्ड में, तो हम आपको वह भी बताना चाहेंगे। यह जॉब जो होते हैं बी फार्मसी कोर्सेज के बाद तो यहाँ पर आपको शुरुआती दौर में 1,80,000 से 2,00,000 कम से कम आपको सालाना पैकेज मिलेगा। इसके बाद आपको 5,00,000 से भी ज्यादा का पैकेज मिलेगा बी फार्मसी कोर्स करने के बाद में और इसके लिए जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वह हेल्थ इंस्पेक्टर, एनालिटिकल केमिस्ट, कस्टम्स ऑफिसर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, केमिकल ड्रग टेक्नीशियन, रिसर्च ऑफिसर, ड्रग थेरेपिस्ट, डाटा मैनेजर, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनल, रेगुलरिटी मैनेजर, फैकल्टी टीचर, लेक्चरर, ETC आप जॉब पा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको फायदा भी हो सकता है और अच्छे से अच्छे पैकेजेस भी आपको मिल सकते हैं। तो यह फायदा होता है आपको बी फार्मसी कोर्स करने का। यह मेडिसिन प्रिपरेशन आपको करने में बेहद ही फायदेमंद है, आपको हेल्थ केयर से जुड़े सारे पहलुओं को
समझने में काफी सारी आसानी हो जाएगी और सभी प्रकार के जैव रासायनिक जो केमिकल्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। बी फार्मसी कोर्स सब्जेक्ट्स और सिलेबस डिटेल्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो बी फार्मसी कोर्स है उनमें जो बैचलर ऑफ फार्मसी सब्जेक्ट्स है उसका जो सिलेबस होता है वह फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे विषयों पर आधारित होता है। आपको बैचलर ऑफ फार्मसी यूजी कोर्स के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स पर स्टडी करनी होगी, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट्स पर सभी प्रकार के आपको एडमिशंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स में आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी होगी, स्टडी करनी होगी। जो एट सेमेस्टर है उनके लिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, रेमेडियल मैथमेटिकल बायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बाकी जो सब्जेक्ट्स है थोड़े एक दो सब्जेक्ट्स और अलग अलग रहेंगे और वह सेमेस्टर के अनुसार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसके अनुसार में वह बदलते जाएंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिक्स से जो फर्स्ट है वह सेमेस्टर फर्स्ट में था तो सेमेस्टर सेकंड में वह फार्मास्यूटिक्स सेकंड रहेगा। कुछ सब्जेक्ट्स इसमें एडिशनल ऐड होंगे अगले सेमेस्टर्स में, जैसे कि एडवांस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होगा, उसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन होगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगा, उसके बाद यह कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो फार्मा फिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डाइजेस्ट होंगे। इस प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको आने वाले सेमेस्टर्स में आने वाले हैं। इस प्रकार का सिलेबस आपको बी फार्मसी कोर्सेज के लिए पूछा जाता है और उनमें आपको स्टडी करके एग्जामिनेशन में पेपर लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से सेमेस्टर एट तक आपको सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। आप पूरे चार साल तक वर्ष में दो बार इन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आपको इन्हें कंप्लीट पास करना होगा, उसके बाद आप बी फार्मसी सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और बी फार्मसी कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। बी फार्मसी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020-21 के लिए कैसा रहेगा तो आप देख सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके लिए फार्मसी फर्स्ट ईयर जो है बैचलर ऑफ फार्मसी फर्स्ट ईयर उसके लिए कैंडिडेट्स भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंपलसरी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ या फिर बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ एक सब्जेक्ट्स के साथ में एचएससी एग्जामिनेशन या फिर उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करनी होगी। 12वीं एग्जाम रिजल्ट में आपको 50% से ज्यादा अंक लाने होंगे, 50% से कम अंक नहीं चाहिए अगर आपको बैचलर ऑफ फार्मसी बी फार्म फार्मसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। तो अगर छात्र हैंडीकैप्ड है तो उसे 45% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर आपके पास एमएसटी सीईटी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर नीट एग्जाम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बी फार्मसी कोर्स नहीं कर पाएंगे। आपके पास कम से कम एमएसटी सीईटी में नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए या फिर यूजी नीट एग्जाम में आपके पास पॉजिटिव नॉन जीरो स्कोर तो होना आवश्यक ही है, इन दोनों में से कोई भी एक होना आवश्यक है। बी फार्मसी जो डायरेक्ट सेकंड ईयर है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा रहेगा तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है और महाराष्ट्र का नागरिक भी होना आवश्यक है अगर आप बी फार्मसी एडमिशन 2020-21 के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं। उम्मीदवार या तो फिर पीसीआई के द्वारा एडमिटेड होने चाहिए, मतलब कि जो आपका पिछला जो कोर्स था, आपका जो कोर्स होगा, इंस्टीट्यूशंस होगी आपका पिछली, तो वह पीसीआई द्वारा अप्रूव होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव जो ऐसे कोर्सेस एडेड नॉन एडेड कोर्सेस होने चाहिए जो कि सदरिल जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रिलेटेड महाराष्ट्र की जो अथॉरिटी दी गई है उनके द्वारा अप्रूव होना जरूरी है वह कोर्सेस। अगर आप फार्माकोलॉजी डिग्री या फिर इनसे जुड़े इक्विवेलेंट एग्जाम में 45% से ज्यादा अंक अर्जित करते हैं तो आप बी फार्मसी डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। तो बी फार्मसी ऑनलाइन एडमिशंस के लिए अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, बी फार्मसी एडमिशन 2020-21 रिक्वायरमेंट कौन सी होगी और बी फार्म कोर्स एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे 2020-21 के लिए तो आपको यह भी देख लेना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th 12th मार्कशीट होनी चाहिए,
यूजी नेट या फिर एमएसटी सीडी की मार्कशीट होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन ट्रिबुलर सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिलियर वह मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यह सबमिट करना आवश्यक नहीं है, अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको यह सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। बी फार्मसी एडमिशन जो ऑनलाइन डेट्स है इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया है जबकि हम इतने फास्ट आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। फिर भी हम आपको लास्ट में बताना चाहेंगे कि जो बी फार्म कोर्स की फीस डिटेल्स है वह कितनी हो सकती है। तो बी फार्म से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस की फीस अलॉट कैप सीट अलॉट होने के बाद पेड करनी पड़ती है अगर आप ओपन कैंडिडेट्स हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो आपको 50% की फीस भरनी होगी एडमिशन के समय। तो जो आपको बी फार्मेसी कोर्स फीस डिटेल्स 2020-21 के लिए भरनी होगी एडमिशन फीस डिटेल्स, तो वह शिक्षण शुल्क समिति द्वारा निर्धारित की जाती है और वह शिक्षण शुल्क समिति द्वारा जो निर्धारित फीस है वह बी फार्मेसी कोर्स फैकल्टी सैलरी और अदर एक्सपेंडिचर को देखकर ही फाइनलाइज किया जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट्स के लिए हर जो इंस्टीट्यूट है वह उनके लिए अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जनरली यह 80,000 से 90,000 से शुरुआती होता है। एप्लीकेशन शुल्क के बाद आपको कोर्स फीस भी आपको सबमिट करनी पड़ती है, जो कि शिक्षण शुल्क समिति वेबसाइट में SSPN वेबसाइट पर फीस की पूरी जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की इंफॉर्मेशन बी फार्मेसी कोर्स एडमिशन 2020-21 के बारे में, महाराष्ट्र बी फार्मेसी एडमिशन 2020-21 बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स एडमिशन डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और कोर्स फीस के बारे में जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बी फार्मेसी एडमिशन डेट्स के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको हमारे ऑफिशियल ब्लॉग की जानकारी भी पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब करने से आपको डबल फायदा होगा और डबल फायदा आपके लिए बेहद सारी खुशियां लाएगा और किसी भी प्रकार के आपको लेटेस्ट अपडेट से मिस होने का कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं हूं मनोज पाटिल, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।